क्या नाम है? सुबोध कुमार। क्या करते हैं सुबोध कुमार? एक मेरा बिजनेस है टोबैको का, टोबैको का बिजनेस है। अंग्रेजी में बोलते हैं आप? अंग्रेजी में वही बोलते हैं, सब नहीं बोलते हैं, जितना बनता है उतना बोलते हैं, जो जानता है तो बोलता है। लेने आता है तो क्या करता है? टोबैको दीजिए। टोबैको भी बोलने वाला आता है? आता है। आप लोग ऐसे आदमी टोबैको भी बोलने वाला आता है? हम तो नहीं बोले। आप बोल ही रहे हैं? बोलने का कोशिश कर रहा हूं। अभी कौन सी टोबैको है मुझे दिखाओ जरा। सर ऐसा है, पत्ती पत्ती दिखाओ कुछ। तो मुझे ऐसा लग रहा है मीडियम है, पानी से मिला हुआ है। पानी से भिगो के रखते हैं, कैसे बनाते हैं? ये पत्ता सीधा तोड़ लिया? हाँ, ये सूखा हुआ था। इसमें सुखाया, सुखाने के बाद फिर इसको बंडल बना दिया। बंडल बनाने के बाद ये पूरा सूख गया। अब इसको हम काट रहे हैं लोगों की यूज करने के लिए, तो ये अब इसको मैं पानी दे करके इसको बनाया है, जो फैल रहा है पत्ता। फिर इसमें काटोगे? हाँ, काटेंगे ना जी। बताते जाना, ये देखो पास आ जाओ, इनकी ये मशीन है। अच्छा, वो निकल गया वेस्ट है जी? वो वेस्ट निकल गया? हाँ, रस निकाल दी बीच वाली है। हाँ, उधर निकलेगा? हाँ, इधर निकलेगा। लीजिएगा जरा। सहरसा चुरती। सहरसा चुरती, हाँ। दिखाइए कैसी दिखती है। देखिए किस प्रकार से कट गया ये। अच्छा, ये कट गया। आप इसे पैक कर दोगे सीधे? हाँ। या कुछ और करोगे? नहीं, पैकिंग कैसी है दिखाना। और कितना रुपए का जाता है ये? 5 पैसा का जाता है। 5 रुपए का कौन? ये कितने की जाएगी? ये बोला 20 रुपया का। रख लो रख लो, रख लो। कितने लोग आ जाते हैं दिन भर में? लगभग कितना आदमी सुरती खा रहा है? लगभग कितना आदमी है? लगभग अगर परसेंटेज में पूछा तुमको, तो मैं कुछ तबेको बता है तो कितना परसेंट आदमी सुरती खा रहा है? 60%। 60%? बढ़िया चलता होगा तुम्हारा बिजनेस तो? हाँ चलता है, बढ़िया चलता है। किसे जिता रहे हो इस बार चुनाव? तुमको रोजगार की समस्या नहीं है? भाजपा को जिता रहा है। क्योंकि रोजगार की समस्या नहीं है, रोजगार है। भाजपा सरकार अच्छा लग रहा है। आगे आ जाओ यार, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। पिछवाड़ा खिसका लो, गद्दी से आ जाओ थोड़ा सा। भाजपा सरकार को जिता रहे हैं? नहीं, इसलिए जिता रहे हैं, रोजगार है। ये नहीं, जैसे सबसे बड़ा मुद्दा ये चल रहा है कि रोजगार नहीं है छात्रों पे, तो वो भाजपा का विरोध कर रहा है, जदयू का विरोध कर रहा है ना? तो यहाँ मतलब राजनीतिक अनुशासन क्या है? कोई 5 वजह बता। राजनीतिक अनुशासन उनको अच्छा लगता है। हमको उनको अनुशासन जो है जनता के प्रति या विभाग के प्रति अच्छा लगता है। इसके अलावा इससे बेहतर क्या है? सब जगह का अनुशासन ठीक लग रहा है भाजपा का। अनुशासन पे फोकस है। हाँ, सेना में थे पहले। सेना है? सेना ऐसा कोई बात थोड़ी है, लेकिन लोकेशन बताता है ना कि से कहाँ पर एक्शन कैसा ले रहे हैं। केवल अनुशासन से क्या होगा? रोटी भी नहीं होगा खाने को, तो अनुशासन से क्या होगा? अपने अनुशासन में रहेगा तो रोटी अपना उपाय कर लेगा, उसका भी साधन दे रहा है। अच्छा, मूलभूत चीज अनुशासन है। अनुशासन होगा तो रोटी भी होगी, शिक्षा भी होगी, सड़क भी होगी, कानून भी होगा, सब। प्रेरणा भी देता है हर चीज का, हर चीज का भाजपा सरकार से प्रेरणा मिल रहा है, आदमी को समझता है। चलो ठीक है, तुम्हारा हो गया। मुझे लग रहा है अब नहीं बोल पाओगे, थूक सूख गया है इनका, अब आगे नहीं बोल पाएंगे ये। चलो तुम बताओगे कुछ है? का बताएंगे? शकल तो दिखाओ तुम अपनी, कैसे दिख रहे हो तुम? हाँ, कहा बताइए।
हमको गर्लफ्रेंड है नहीं सर, शादीशुदा है, शादीशुदा है। हम वायरिंग का काम करते हैं, नेट का वायरिंग का काम करते हैं, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर का। अभी तो सर कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमको मतलब रोज मैं तुमसे ये नहीं पूछा, तुम चुनाव आयोग हो और ये बताओ कि कौन जीत रहा है। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि किसे तुम जिता रहे हो, तुम कौन किसे चाहते हो कौन जीते। हम तो सर जो पार्टी अभी तो जब वोट पड़ेगा उस समय सोचेंगे कि किसको वोट देना है, अभी हम कुछ बता नहीं सकते। तुम मतलब अंदर घुस के डब्बे में तभी सोचते हो कि आप इसमें से किसे दबा दें।